जब जिंदगी जंग लड़ रही हो और उस जंग में भी रुकावट सामने आ जाए तो जिंदगी घुटने टेकती नजर आती है। जिंदगी और मौत के फासले को जब कोई वीवीआईपी बढ़ा दे, सांस की जद्दोजहद को बैरिकेड लगाकर रोक दे, सड़क पर मासूम को मौत से जूझने के लिए छोड़ दे, एम्बुलेंस की रफ्तार जब दम तोड़ दे, घर वालों की बेबस आंखों को पुलिस की सक्रियता रोक दे, तो फिर इस देश में मौत पर आप मातम ही मनाइए, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच एक महीन लकीर है और इस लकीर के आगे वीवीआईपी की मूवमेंट है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एम्बुलेंस को रोक दिया है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक एम्बुलेंस को रोकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। कथित तौर पर एम्बुलेंस में खून से लथपथ बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और वीवीआईपी मूवमेंट के चलते ट्रैफिक को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में एम्बुलेंस के अंदर एक बच्चे को स्ट्रेचर पर लेटा हुआ दिखाया गया है। 2 मिनट के इस वीडियो में लोग पुलिस वालों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट बच्चे की जान से ज्यादा कीमती है। सूत्रों के मुताबिक ये घटना इंद्रप्रस्थ एस्टेट के पास स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के गेट नंबर 14 के पास की है। सुबह 9 बजे जाम में एक एम्बुलेंस फंसी थी। इसमें एक बच्चा दर्द से कराह रहा था, उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस फंसी रही। चालक बार बार पुलिस से बच्चे की तबीयत बिगड़ने की दुहाई देता रहा, लेकिन पुलिस ने जाने की इजाजत नहीं दी। जिस पुलिस को इजाजत पहले दे देनी चाहिए थी, उसने दबाव बढ़ने का इंतजार किया। हालांकि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन क्या ड्यूटी से बढ़कर जान नहीं है? और अब एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या वीवीआईपी मूवमेंट किसी की जान से बड़ी हो सकती है, और क्या जिंदगी को यूं ही वीवीआईपी के आगे दम तोड़ना होगा, इलाज के लिए इंतजार करना होगा? NMF न्यूज की रिपोर्ट।